हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मित्र में। आज इस वीडियो में हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे कि रिलायंस को आने वाले टाइम में हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है। और ट्रेंड की बात करें तो आप देखें, क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। और अभी सेलिंग की बात करें तो इंट्राडे में हम देखें तो 22,010 का एक लेवल था, जैसे कि रिलायंस ने ब्रेक किया, उसके बाद हमें इसमें सेलिंग देखने को मिली और लो बनाया है इसने, 21,80 के करीब इसने लो बनाया है। अब आने वाले टाइम में हम रिलायंस को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं? तो बेसिकली अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वो तो आपका नेगेटिव साइड का ट्रेंड है, तो अभी आपका जो व्यू होगा सेल ऑन रैली का व्यू होगा रिलायंस पर। मे बी रिलायंस 22,000 के करीब, सॉरी 2,200 के करीब दोबारा टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिल सकता है। पर हमारे जो SL होंगे वह SL हमारे थोड़ा सा हम लॉन्ग लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2,232 के करीब हमें अपने SL को प्लेस करना होगा। और रिलायंस में यदि हम तेज़ी की बात करें तो रिलायंस में हम तेज़ी 2,232 का लेवल ब्रेक होने के बाद हम इसमें तेज़ी की प्लानिंग कर सकते हैं। बट अभी जो व्यू है वह हमारा सेलिंग साइड पे है, यहाँ से हमें डाउन साइड यहाँ से और भी देखने को मिल सकती है। तो हम अपने चार्ट फ्रेम को 3 मिनट से आवरली कर लेते हैं, तो उसमें आपको नीचे के लेवल और देखने को मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,170, तो 2,170 ये लेवल है जहाँ रिलायंस एक बार टेस्ट करने जा सकता है इन लेवल को। और थोड़ा डीप देखें तो जो रिलायंस में सपोर्ट है ये जो लेवल है ये है आपका 2,150, तो 2,150 2,155 ये लेवल को रिलायंस टेस्ट करने के लिए जा सकता है। यदि हमारा व्यू सेलिंग साइड पे है तो हम 2,150 2,155 के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमारे SL होंगे हमारे 2,230 के ऊपर हमारे SL होंगे। और हमारी